फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि कोई फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर पिट गई हो तो बेकार ही होगी या उसका कोई सार नहीं होगा। 2002 में रजनीकांत की एक ऐसी फिल्म आई थी जो रिलीज के टाइम तो नहीं चली, पर जब वो 20 साल बाद 2022 में दोबारा रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर निकली। रजनीकांत की एक ऐसी फिल्म जो शुरुआत में तो फुसफटाकर निकली, लेकिन 20 साल बाद उसने ऐसा धमाका किया कि इसके डायलॉग लोगों को आज भी याद है। जी हाँ, यहाँ हम मेगा स्टार रजनीकांत की हिट फिल्म बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। रजनीकांत की ये फिल्म मूल रूप से 2002 में रिलीज हुई थी और तब इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर इसे 20 साल बाद 12 दिसंबर 2022 को रजनीकांत के 72वें जन्मदिन पर दोबारा रिलीज की गई तो ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बता दें कि मेगास्टार रजनीकांत को तमिल सिनेमा में भगवान का दर्जा प्राप्त है। रजनीकांत को स्क्रीन पर उनके अभिनय और वास्तविक जीवन में उनके सरल व्यक्तित्व के लिए काफी पसंद किया जाता है। अपने लंबे करियर में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तमाम फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आई, जबकि उन्हीं की कुछ फिल्में इन्हीं दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकाम रही। लेकिन बाबा उनकी ऐसी फिल्म है जिसने अपनी दूसरी रिलीज पर मेकर्स को भारी मुनाफा कराया। इस फिल्म बाबा का निर्देशन सुरेश कृष्णा ने किया है और ये एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो मुख्य रूप से नास्तिक है, लेकिन उसे अचानक आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है। अभिनेता ने कहानी और स्क्रिप्ट खुद लिखी थी। फिल्म में मनीषा कोइराला, आशीष विद्यार्थी, शिवाजी शिंदे, विजय कुमार और गोंडा मनी जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया है। फिल्म के गाने प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान ने तैयार किए थे। जानकारी के लिए बता दें कि दोबारा रिलीज के लिए फिल्म में 30 मिनट की कटौती की गई थी और क्लाइमेक्स को आज के दर्शकों की पसंद के हिसाब से बदला गया था, लेकिन ये फिल्म मनीषा कोइराला के करियर के लिए अनलकी रही क्योंकि इसके बाद फिर कभी वे तमिल फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। वैसे रजनीकांत की आखिरी फिल्म जेलर रिलीज हुई अगस्त महीने में। रिलीज हुई इस फिल्म ने मात्र 3 महीनों में 600 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। फिलहाल वे अमिताभ बच्चन के साथ नई फिल्म थलाइवर 170 की शूटिंग कर रहे हैं और इसके जरिए दोनों स्टार 33 साल बाद एक साथ पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं। ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। फिलहाल इसकी शूटिंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।